नमस्कार दोस्तों, फोन इंडी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है धर्मेश और आज है मेरे पास 2016 का फ्लैगशिप डिवाइस गैलेक्सी S7 और 2019 का एक कमाल का मिड रेंज स्मार्टफोन गैलेक्सी A50। और मैं यहां दोनों ही डिवाइसेस के कैमरा टेस्ट करने जा रहा हूं। मतलब देखते हैं कि 2016 में जो चीज़ें हमें फ्लैगशिप में मिलती थी, क्या वो चीज़ें अब हमें 20,000 रुपये में मिलने लगी हैं, या फिर अभी क्या क्या नई चीज़ें मिलने लगी हैं जो उस समय फ्लैगशिप में नहीं मिलती थी, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी जो उस समय भी फ्लैगशिप में मिलती थी और आज भी 20,000 में वो हमें नहीं मिलती, आज भी वो फ्लैगशिप में मिलती हैं। तो स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो गैलेक्सी A50 में आपको रियर पर मिलता है ट्रिपल कैमरा सेटअप, जबकि गैलेक्सी S7 मिलता है आपको सिंगल कैमरा। तो पहला तो यही कि अब आपको मल्टीपल कैमराज मिलने लगे हैं जो कि उस समय फ्लैगशिप में भी नहीं मिलते थे। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पर आपको प्राइमरी कैमरा मिलेगा 25 मेगापिक्सल का, जिसका अपर्चर साइज है 1.7, 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस और 5 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर। इसके अलावा 25 मेगापिक्सल का एक फ्रंट कैमरा जिसका अपर्चर साइज है F2.0। वहीं गैलेक्सी S7 की बात करें तो वहां पर मिलता था 2016 में 12 मेगापिक्सल का डुअल पिक्सल कैमरा जिसका अपर्चर साइज है F1.7 और 5 मेगापिक्सल का एक फ्रंट कैमरा जिसका भी अपर्चर साइज है F1.7। कैमरा फीचर्स की बात करें तो सबसे बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा पोर्ट्रेट मोड का। गैलेक्सी A50 में आपको रियर और फ्रंट दोनों के लिए लाइव फोकस दिया गया है जो कि गैलेक्सी S7 में नहीं है। इसके अलावा नॉर्मल ऑटो प्रो पैनोरा मोड ये तो पहले भी थे, अभी भी है। इसके अलावा गैलेक्सी A50 में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। तो जो तीसरा कैमरा है अल्ट्रा वाइड, वहां से आप अल्ट्रा वाइड शॉट कैप्चर कर सकते हो, अल्ट्रा वाइड वीडियोज रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि गैलेक्सी S7 से पॉसिबल नहीं है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो गैलेक्सी S7 से आप अल्ट्रा HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, 60 FPS पर फुल HD वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो, जबकि वहीं गैलेक्सी A50 में आपको केवल 30 FPS पर फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है। शूटिंग मेथड की बात करें तो दोनों में ही आपको जेस्चर कंट्रोल, वॉइस कंट्रोल और फ्लोटिंग कैमरा बटन जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। गैलेक्सी S7 में आपको HRM सेंसर दिया गया है, तो आप वहां टैप करके भी पिक्चर्स कैप्चर कर सकते हो। इसके अलावा दोनों में ही आपको स्लो मोशन एंड फास्ट मोशन वीडियो का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन गैलेक्सी A50 में आपको AR इमोजी भी मिलेगा जो कि उस समय नहीं हुआ करता था। तो यही कुछ कैमरा फीचर्स का कंपैरिजन था। अब देखते हैं कैमरे की परफॉर्मेंस कैसी देखने को मिलती है। कैमरा परफॉर्मेंस को अगर कंपेयर करें तो यहाँ सबसे पहला और सबसे बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है एक से ज़्यादा कैमरे का। अब यहाँ पर आपको डेप्थ सेंसर भी मिलता है तो आप कमाल के पोर्ट्रेट मोड कैप्चर कर सकते हो, एक अल्ट्रा वाइड लेंस भी दिया गया है जिसके जरिए आप अल्ट्रा वाइड फोटोज़ कैप्चर कर सकते हो, अल्ट्रा वाइड वीडियोज़ रिकॉर्ड कर सकते हो गैलेक्सी A50 में, और ये सारी चीज़ें गैलेक्सी S7 से पॉसिबल नहीं है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो मैं पोर्ट्रेट मोड को ही बोलूँगा जो कि एकदम अमेजिंग है। अब कंपेयर करते हैं दोनों ही डिवाइसेस के मैक्रो शॉट्स को। तो गैलेक्सी A50 में आपको AI बेस्ड कैमरा फीचर दिया गया है सीन ऑप्टिमाइजर, और भाई वो एकदम कमाल का परफॉर्म करता है। मतलब जब आप गैलेक्सी A50 में सीन ऑप्टिमाइजर ऑफ करते हो और गैलेक्सी S7 के फोटोज़ को कंपेयर करते हो तो उस कंडीशन में हर बार आपको गैलेक्सी S7 के पिक्चर्स ज़्यादा अच्छे लगेंगे, कलर्स वगैरह वहाँ ज़्यादा उभरे हुए नज़र आते हैं। बट जब आप सीन ऑप्टिमाइजर ऑन कर देते हो गैलेक्सी A50 में तो फिर चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर सीन ऑप्टिमाइजर ऑफ है, अब एक फोटो और दिखाता हूँ मैं जहाँ सीन ऑप्टिमाइजर मैंने ऑन कर दिया था। तो ये कुछ कंडीशन बनती हैं, यानी कि सीन ऑप्टिमाइजर यहाँ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके पिक्चर्स को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, आपके पिक्चर्स को कमाल का दिखाने के लिए। मतलब ये है कि गैलेक्सी A50 में अगर आप सीन ऑप्टिमाइजर ऑफ रखते हो तो उस कंडीशन में गैलेक्सी S7 के फोटोज ज़्यादा अच्छे नज़र आते हैं, लेकिन जब आपको टेक्नोलॉजी मिल गई है तो सीन ऑप्टिमाइजर ऑन करने के बाद गैलेक्सी A50 S7 से ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा दो चीज़ें और गैलेक्सी A50 में मैंने नोटिस करी जो कि गैलेक्सी S7 से मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। एक तो डायनेमिक रेंज, दूसरा दोपहर के टाइम एकदम बैलेंस्ड एक्सपोजर लेवल। डिटेलिंग की बात करें तो भाई यहाँ बड़ी कांटे की टक्कर देखने को मिली। मतलब फोटोज आपकी आंखों के सामने हैं, यहाँ गैलेक्सी S7 या गैलेक्सी A50 दोनों ही एकदम अमेजिंग है। 12 मेगापिक्सल का डुअल पिक्सल आपको कैमरा मिलता है गैलेक्सी S7 में, और भाई डिटेलिंग के मामले में वो आज भी गैलेक्सी A50 को कड़ी टक्कर देता है। मतलब दोनों में से कोई भी फ़ोन मुझे ऐसा नहीं लगा मैं बोलूं कि इसकी डिटेलिंग दूसरे से ज़्यादा बेहतर है। लो लाइट फोटोग्राफी की बात करें तो शायद आप ये बोलो कि ये एग्जांपल्स या ये फोटोज़ फेक हैं, लेकिन सच यही है कि गैलेक्सी S7 आज भी लो लाइट में गैलेक्सी A50 से ज़्यादा बेहतर है। तो भाई ये एकदम कमाल की चीज़ देखने को मिली मुझे गैलेक्सी S7 के अंदर। बात करें अगर फ्रंट कैमरे की तो भाई यहाँ तो मैं टोटली गैलेक्सी A50 के साथ जाऊँगा, क्योंकि 2016 में सेल्फी का इतना ट्रेंड नहीं हुआ करता था, होता था बट इतना नहीं। आजकल तो 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, रियर कैमरे से ज़्यादा फ्रंट कैमरे पर फोकस किया जा रहा है, कमाल कमाल के ब्यूटी इफेक्ट आ चुके हैं। इसके अलावा सबसे ज़रूरी पोर्ट्रेट मोड, वो भी आपको गैलेक्सी S7 में देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा डायनेमिक रेंज की बात करें तो वो भी गैलेक्सी A50 की गैलेक्सी S7 से ज़्यादा बेहतर है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो भाई यहाँ 2016 का फ्लैगशिप डिवाइस आज भी 20,000 के गैलेक्सी A50 से ज़्यादा बेहतर है। पहला तो आपको अल्ट्रा HD वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, 60 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, जो कि
गैलेक्सी A50 में तो नहीं है। अल्ट्रा एच डी ना सही, कम से कम 60 FPS पर वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन जरूर मिलना चाहिए था। इसके अलावा गैलेक्सी S7 में आपको OIS भी दिया गया है, जिसके जरिए आपको मिलती है कमाल की स्टेबलाइज्ड वीडियो, जो कि गैलेक्सी A50 में नहीं है। इसके अलावा कलर टोन का भी थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा, और यहाँ मुझे गैलेक्सी S7 की कलर टोन ज़्यादा अच्छी लगी एज कम्पेयर टू गैलेक्सी A50। तो यही था मेरा गैलेक्सी A50 और गैलेक्सी S7 के बीच कैमरा कंपेरिजन। फ्रंट कैमरा, मल्टीपल कैमराज और AI, ये सारी चीज़ें आज कैमरे की जान हो चुकी हैं, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग में कोई खास इंप्रूवमेंट आज भी 20,000 रुपये की रेंज में नहीं है, और यहाँ आज भी फ्लैगशिप कमाल है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूंगा, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।